पैसा डबल कराने के नाम पर 10.25 लाख रुपए की ठगी करने वाले 15-15 हजार रुपए के 2 इनामिया अपराधी गिरफ्तार। बता दे कि वादी मुकदमा राम जतन पुत्र रामाधार निवासी रंगडीह थाना सरायमीर आजमगढ़ ने थाना सरायमीर पर लिखित तहरीर दिए थे कि विपक्षी शैलेंद्र मिश्रा साकिन सराय थाना क्रौदी जिला सुल्तानपुर, रविशंकर उपाध्याय साकिन चर्तुभुजपुर थाना क्रौदी जिला सुल्तानपुर, रामसागर साकिन गोपालपुर जिला सुल्तानपुर द्वारा अपने को SKD लैंडमार्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस पुष्प बिहार कॉलोनी बीना जिला सागर ई शाखा GF कमला हॉस्पिटल नियर परमार ऑटो एजेंसी जेसिस रोड जौनपुर KMD एवं डायरेक्टर व सब डायरेक्टर बताकर प्रार्थी को स्कीम के बारे में प्रलोभन दिया तथा उपरोक्त लोगों ने कहा कि जो भी पैसा आप जमा करेंगे उसकी मैच्योरिटी होने के बाद पैसा दे दिया जाएगा या आपको प्लाट दे दिया जाएगा। प्रार्था और प्रार्थी के परिवार वालों को फर्जी बैंक शाखा जौनपुर खोलकर वादी मुकदमा एवं इनके परिवार के साथ धोखाधड़ी करके फर्जी सर्टिफिकेट जारी करके 9,70,570 रुपये पैसा हड़प लिया गया। उसी के संबंध में थाना सरायमीर पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। तब से उपरोक्त अभियुक्त गण फरार चल रहे थे। मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा 15-15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। ऐसे में 10 अगस्त को प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 15-15 हजार रुपए के इनामिया अभियुक्त शैलेंद्र मिश्रा रामसागर को करछा बॉर्डर से पुलिस हिरासत में लिया गया। वहीं अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।